नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम दिखाएंगे आपको 24 इंची सीलिंग फैन की लंबाई को कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा कई अक्सर हम हाथों से ही इसे वाइंड कर लेते हैं, पर क्या है लंबाई निकालते समय एक छोटी सी गलती कर जाते हैं जिससे क्या हमारी कॉइल लंबी हो जाती है और बॉडी के अंदर अड़ती है। चलो तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे क्या है लंबाई हमारी प्रॉपर निकलेगी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके एक वायर ले लेना है लंबा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हमें लंबाई निकालते समय क्या करना है, जब भी हम वायर को टच करें तो क्या है जो वायर रखनी है हमें इससे ऊपर नहीं रखनी दोस्तों, जो पेपर हमारा लंबाई निकालते समय। देखो जैसे कि हालांकि हमने मोड़ा, मोड़ने के बाद देखो ये दिख रहा होगा, हम कई बार इतनी दूर छोड़ देते हैं या ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो हमारी क्या है कॉइल छोटी बड़ी हो जाती है, जिससे क्या हमारी लंबाई छोटी बड़ी हो जाती है जिससे क्या हमारी कॉइल प्रॉपर नहीं आती दोस्तों। तो हमें क्या करना है पेपर के बराबर रखनी है, ठीक है दोस्तों। हमने इसमें 3 राउंड ले लिए हैं, ठीक है, हमने इसमें 3 राउंड ले लिए हैं, यानी कि 3 राउंड की एक कॉइल बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये हमने प्रॉपर कॉइल रखी है, अब इसे क्या है कॉइल को डालने में भी आसानी होगी दोस्तों, और हमारा जो साइज है वो बड़ा छोटा नहीं होगा और जो हमारा वायर है वो ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, यानी कि प्रॉपर वायर रहेगा और लंबाई भी हमारी प्रॉपर रहेगी। चलो हम निकाल के एक बार और डाल देंगे और दोबारा डाल के झूल चेक करें। चलो हम देखो यहाँ मोड़ा, मोड़ने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, निकालने के बाद झूल देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉइल हम ज़्यादा टाइट बना देते हैं तो दोबारा डालते हैं तो डलती नहीं है। देखो हालांकि इसकी लंबाई एक ही होती है 11-15 इस तरह का रखना है, लंबाई नाप लेंगे हम इसकी। देखो दोस्तों ये लंबाई हमारी निकल आई है। चलो अब एक बार हम इसे और डाल लेके देख लेते हैं। चलो दोबारा डालने का दोस्तों ये फायदा है, कई बार क्या होता है हम छोटी बना देते हैं और फिर डलती नहीं हमारे पे। देखो दोस्तों डाला, टाइट करके डाल के चलना है हमें, और ये देखो हमारा ये प्रॉपर आ गया है, यानी कि जो हमने कॉइल की लंबाई निकाल ली है वो हमारी प्रॉपर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि कॉइल ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, आपने देखा होगा कॉइल ज़्यादा बड़ी होता है तो एक तो पंखे की हमारी स्पीड ही नहीं आती, मेन कारण है कॉइल ज़्यादा बड़ी करने का स्पीड ही नहीं आती, और दूसरी हमारी बॉडी में अड़ती है जिस कारण से क्या है कॉइल की जो तारे होती है वो कट जाती है बॉडी में टच होने के कारण, और पूरे बॉडी के अंदर हमारा करंट आता है, वो फिनिशिंग नहीं आती जो दोस्तों हम लाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मतलब पहला स्टेप हमारा है लंबाई निकालते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें लंबाई को प्रॉपर किस तरीके से निकालना है दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी,